नमस्कार, मैं संजय कुमार तिवारी, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीकर में कार्यरत हूँ। मैं आज तृतीय वर्ष यांत्रिकी अभियांत्रिकी के छात्रों के लिए उनका एक विषय इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ME307 का एक टॉपिक प्लांट लेआउट एंड इट्स टाइप लेकर आया हूँ। इस टॉपिक पर कई बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, अतः काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। प्लांट लेआउट अर्थात संयंत्र अभिन्यास या संयंत्र विन्यास। संयंत्र अभिन्यास आवंटित स्थान एवं मशीनों की इस प्रकार की व्यवस्था है जिससे परिचालन लागत न्यूनतम हो, अर्थात आवंटित स्थान में मशीनों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि कुल परिचालन लागत कम से कम आए। एक अच्छे प्लांट लेआउट से श्रमिकों को आराम, सुविधा, सुरक्षा एवं दक्षता प्राप्त होती है, जबकि एक निम्न प्रकार के अभिन्यास से भीड़भाड़, अपव्यय, निराशा एवं अदक्षता प्राप्त होती है। अभिविन्यास के उद्देश्य। पहला उद्देश्य, जो उपलब्ध फर्श क्षेत्र है उसका निपुणता से प्रयोग करना, अर्थात कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। दूसरा बिंदु, कार्य का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना विलंब के जाने के लिए आश्वस्त होना, अर्थात उसमें कोई डिले नहीं होगी। तीसरा बिंदु, पर्याप्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध करवाना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। चौथा बिंदु है सामग्री प्रस्थान लागत को कम करना। पांचवा बिंदु, कार्मिकों की दुर्घटनाओं को कम करना। छठा बिंदु है श्रमिकों को दक्षतापूर्वक उपयोग में लेना। अगला बिंदु, श्रमिकों के मनोबल को बढ़ाना। फीचर्स ऑफ ए गुड लेआउट अर्थात अच्छे अभिन्यास में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो विशेषताएं निम्नानुसार हैं। श्रमिकों एवं मशीनों के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए जिससे कि वो अपना कार्य संपादन कर सकें, अतः एक अच्छे लेआउट में पर्याप्त स्थान होना चाहिए। दूसरा बिंदु, श्रमिकों की चोट या दुर्घटना से बचाव के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए, जैसे अग्निशमन उपकरण, प्रथम उपचार बॉक्स इत्यादि उस लेआउट में इंक्लूड होने चाहिए। अगला बिंदु है किसी भी प्रक्रम का निरीक्षण, संयोजन एवं नियंत्रण प्रभावी रूप से एवं आसानी से संपन्न हो जाए, इस तरीके की विशेषताएं उस एक अच्छे लेआउट में होनी चाहिए। नेक्स्ट मेन पॉइंट, समायोजन एवं संशोधन अर्थात सुधार एवं परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश या अवसर होने चाहिए। टाइप्स ऑफ लेआउट अर्थात अभिन्यास के प्रकार। लेआउट कितने प्रकार के होते हैं, ये मुख्यतः ये निम्न प्रकार के हैं। पहला, उत्पाद या लाइन लेआउट। दूसरा, प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट। तीसरा, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। और चौथा, कंबाइंड लेआउट। पहला है प्रोडक्ट लेआउट, इसे लाइन लेआउट भी कहते हैं और हिंदी में उत्पाद अभिन्यास भी कहते हैं। जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया गया है कि स्टोरेज वन से मटेरियल स्टोरेज मशीन ए पे जा रहा है, मशीन ए से मशीन बी, मशीन सी और फिर स्टोरेज टू पे, अर्थात इसमें सामग्री एक वर्क स्टेशन से अन्य वर्क स्टेशन पर क्रम से बिना पीछे लौटे हुए या विचलित हुए जाती है। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, सामग्री को पहले मशीन में भेजा जाता है तथा वहाँ से अर्धनिर्मित उत्पाद स्वतः ही मशीन से
दूसरी मशीन तक जाता है। एक मशीन का जो आउटपुट या निर्गत होता है वह अगली मशीन का इनपुट या आगत बन जाता है, अतः यह क्रम से उत्पाद उत्पादन होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल है फूड प्रोसेसिंग यूनिट, पेपर मिल आदि। प्रोडक्ट लेआउट के लाभ या एडवांटेजेस क्या क्या हैं? पहला मुख्य इसका लाभ, सामग्री एवं निर्मित उत्पाद का निर्बाध या बिना बाधा के और नियमित प्रवाह या फ्लो प्राप्त होता है, अर्थात हमें लगातार सामान और वो उत्पाद प्राप्त होते हैं। दूसरा बिंदु है अव्यय को कम करके सामग्री एवं श्रमिकों में किफ़ायत करता है, वेस्टेज कम होगी तो हमें उसका फायदा इकोनॉमिकल पड़ेगा। तीसरा बिंदु, सामग्री प्रस्थान में कमी आती है क्योंकि बिना भटकाव के बिना वापस आए वस्तु जब जाती है तो मटेरियल हैंडलिंग को भी हमें कम करना पड़ता है, जो कि सामग्री प्रस्थान में कमी करता है, उसकी लागत में कमी करता है। चौथा बिंदु, कम लागत के श्रमिकों की भर्ती एवं कम प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एक के बाद एक क्रम से काम होता है। पांचवा और अंतिम बिंदु, लेसर इंस्पेक्शन यानी कम निरीक्षण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अभिन्यास में हमें निरीक्षण कम करना पड़ता है। उत्पाद अभिन्यास में कुछ कमियां या हानियां भी होती हैं जो निम्न प्रकार से हैं। प्रोडक्ट लेआउट स्वभाव में बहुत ही कड़ा या अलचीला होता है। जो वर्क स्टेशंस हैं उनको विशेष कार्यों या प्रक्रमों के लिए डिजाइन किया जाता है, अतः मशीनों को आपस में क्षमता बदलने या अन्य कार्यों में लेने हेतु नहीं बदला जा सकता, अर्थात स्ट्रिक्टली उनको जहाँ पे वो लगाई जाती हैं वहीं पे उनको रखना होता है, हम इसमें फेर बदल नहीं कर पाते। दूसरा बिंदु, इसमें निरीक्षण ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि इस सिस्टम में अधिक पारंगत एवं दक्ष निरीक्षण की आवश्यकता होती है। तीसरा बिंदु है अधिक धन की आवश्यकता होती है। इस सिस्टम में मशीनों का अपरिहार्य पुनरावृत्ति होती है जिससे धन के निवेश एवं जोखिम में वृद्धि होती है। प्रोसेस लेआउट या फंक्शनल लेआउट, इसे हिंदी में प्रक्रम अभिन्यास भी कहते हैं। इस प्रकार के अभिन्यास में एक समान प्रकार की मशीनों को एक ही स्थान पर व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक विभाग को कार्य इस प्रकार आवंटित किया जाता है कि किसी भी मशीन को जहाँ तक संभव हो विभिन्न प्रकार के कार्यों को ना करना पड़े, अर्थात वो लगभग समान सा कार्य करे, ऐसी हमारी व्यवस्था रहती है। ये एक चित्र दिखाया गया है प्रोसेस लेआउट का, जिसमें कि समान प्रकार की मशीनों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। जैसे शेयरिंग सेक्शन में सारी शेयरिंग मशीन लगाई गई हैं, मिलिंग सेक्शन में मिलिंग मशीन्स हैं, ड्रिलिंग सेक्शन में सारी ड्रिलिंग मशीन्स हैं और पैकिंग सेक्शन में पैकिंग मशीन्स हैं। इसमें दो उत्पाद ए और बी बनाए जा रहे हैं, एक पहले शेयर मशीन में जाता है, फिर मिलिंग मशीन में दूसरे ग्रुप में जाता है, फिर वापस शेयर मशीन में आता है जिसमें दूसरी टाइप की शेयर मशीन में आता है और फिर वहाँ से वापस निकलता है। बी प्रकार का उत्पाद जो पहले शेयर मशीन में जाता है, फिर मिलिंग में जाता है, फिर ड्रिलिंग में जाता है, फिर दूसरी उसी सेक्शन में दूसरी प्रकार की ड्रिलिंग मशीन में जाता है, फिर पैकिंग सेक्शन में पहली मशीन पे जाता है, फिर दूसरी पे और फिर वहाँ से आउट होता है। तो ये इस प्रकार एक प्रोसेस लेआउट का एक मोटा खाका है। एडवांटेजेस, प्रोसेस लेआउट या प्रक्रम अभिन्यास के फायदे या लाभ क्या हैं? इसमें कम धन निवेश होता है, अर्थात उत्पाद सुविधाओं का अधिक क्षमता में उपयोग हो सकता है व मशीनों की पुनरावृत्ति भी कम होती है। उत्पाद सुविधाओं में लचीलापन
अर्थात इस सिस्टम में उत्पाद रणनीति में अगर परिवर्तन हो जाए तो संशोधन करना भी आसान होता है, इसमें प्रभावी निरीक्षण भी होता है। और अंतिम बिंदु है, मशीन में खराबी होने पर भी उत्पादन कार्यक्रम या प्रोडक्शन शेड्यूल में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता और प्रोडक्ट सही समय पे हमें प्राप्त होता है। डिसएडवांटेजेस, हानियां, इस अभिन्यास में सामग्री प्रस्थान अधिक होता है क्योंकि इस लेआउट में उत्पाद को बनाने का कोई निश्चित चैनल या प्रणाली नहीं होती है। इस लेआउट में प्लांट के अंदर वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अत्यधिक आवागमन होता है जिससे सामग्री अपव्यय एवं अधिक लागत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस अभिन्यास में अत्यधिक निपुण श्रमिकों की आवश्यकता होती है जिससे श्रमिक भर्ती में भी परेशानी आती है। निरीक्षण महंगा एवं बार बार करना होता है। इस अभिन्यास में मशीन लोडिंग भी अधिक होती है, अर्थात हमें बार बार जॉब को मशीन पर लोड करना पड़ता है। एवं अंतिम बिंदु, कच्ची सामग्री एवं चालू कार्य पर अधिक निवेश होता है क्योंकि हमें अधिक काम में लेना पड़ता है। अगला प्रकार है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट या स्थिर स्थिति अभिन्यास। इसमें वृहद उत्पाद निर्माण किया जाता है, यानी मेजर प्रोडक्ट्स, बड़े साइज के प्रोडक्ट्स को का निर्माण किया जाता है जो कि एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं। वर्क सेंटर के पास ही सारी सुविधाएं अर्थात मशीनें आदि लाई जाती हैं। इसका उदाहरण जहाज निर्माण, बांध निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण आदि हैं, जहां की जॉब एक जगह है और उपकरण व मशीनों को उस साइट पे लेके आया जाता है। यह एक चित्र दिखाया गया है जिसमें कि एक वर्क प्लेस पे विभिन्न प्रकार की मशीनें जैसे ड्रिल, मिल ग्राइंड, टर्निंग मशीन्स, स्टोर्स वगैरह सब वहीं आ जाते हैं, वेल्डिंग वगैरह, और वहीं असेंबली वगैरह होती है। तो इस प्रकार सारी मशीनों को उस वर्क प्लेस पे लाया जाता है। तो फिक्स्ड पोजीशन लेआउट का एक अच्छा एग्जांपल है। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट के लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ तो इसमें यह है कि यह लेआउट सरल होता है एवं उत्पाद एवं प्रक्रम के संबंध में कोई परिवर्तन होने पर उसे एडजस्ट करना आसान होता है कि अगर कोई अचानक से कोई हमें बदलाव करना पड़े तो वह भी आसानी से हो जाता है। दूसरा बिंदु, इसमें जो लेबर, श्रमिक और मजदूर है उनको पूरे समय तक व्यस्त रखा जाता है, अर्थात उनको लगातार काम मिलता रहता है, तो ये इसका एक फायदा है। इसकी हानियां, डिसएडवांटेज, चूंकि मशीन एवं उपकरणों को एक निश्चित स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, अतः भारी एवं परिष्कृत उपकरण या महंगे उपकरणों को काम में नहीं लिया जा सकता है। दूसरा इसका अवगुण यह है कि यह लेआउट मशीनों एवं मनुष्यों की दक्षता कम होने की वजह से कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रोजेक्ट एवं कम संख्या के उत्पाद के उत्पादन में ही उपयुक्त होता है। जहां कोई साधारण प्रकार का प्रोजेक्ट हो या अधिक संख्या में उत्पाद बनाने हो वहां के लिए ये उपयुक्त नहीं है। अगला प्रकार है कंबाइंड लेआउट या संयुक्त अभिन्यास। संयुक्त अभिन्यास एक लचीले प्रकार का उत्पादन अभिन्यास है
जिसमें कि प्रक्रम अभिन्यास और उत्पाद अभिन्यास अर्थात प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट की विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है, इकट्ठा किया गया है। इसे वहां प्रयोग में लाया जाता है जहां एक ही उत्पाद विभिन्न प्रकार के आकारों में बनाया जाता है, जैसे साबुन, गियर आदि। इस अभिन्यास में विभिन्न मशीनों को प्रक्रम अभिन्यास की तरह व्यवस्थित किया जाता है तथा इन प्रक्रम समूहों अर्थात मशीनों के समूह को विभिन्न प्रकार के एवं आकार के उत्पाद बनाने के लिए एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात इसमें प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट को साथ में प्रयोग में लाया जाता है। इसका एक उदाहरण दिया गया है जैसे कि इस स्लाइड में कि गियर बनाने के लिए एक दिखाया गया है, इसमें फोर्जिंग प्रेस जो को एक साथ एक सेक्शन या एक ग्रुप में रखा गया है, उसके बाद गियर कटिंग मशीन्स को एक साथ रखा गया है, फिर हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेज को एक साथ रखा गया है और फिर गियर ग्राइंडिंग मशीन्स को एक साथ रखा गया है। तो इनको एक साथ रखा है इसका तो ये एक प्रोसेस लेआउट की तरह हो गया। फिर इनको प्रोडक्ट लेआउट के क्रम में इनको जताया गया है तो इस प्रकार ये उसका कॉम्बिनेशन है। तो ये जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि फोर्जिंग प्रेस को एक साथ बनाया गया है तो ये प्रोसेस लेआउट हो गया, और फोर्जिंग से ग्राइंडिंग में या उसमें जा रहा है मटेरियल तो ये एक प्रोडक्ट लेआउट को दिखा रहा है। इस प्रकार से हम लेआउट्स को चार जैसा कि हमने पढ़ा है चार मुख्य प्रकार से बता सकते हैं। धन्यवाद।